हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने जो है रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और इसको अच्छे से जो है गर्म कर लिया है। और अब ऐड करती हूँ मैं इसमें सूजी, तो सूजी को मैं अच्छे से भून लूँगी। और अब ऐड करूँगी मैं इसके अंदर चीनी। मैं जो है चीनी पानी सूखने के बाद डालती हूँ, बहुत जो है पहले ही डाल लेते हैं चीनी, लेकिन मैं बाद में डालती हूँ। तो अब ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर चीनी और ये डाल दी मैंने चीनी। फिर मैं अच्छे से मिला दूँगी। और इस कुकर के अंदर जो है मैंने चावल डाले हुए थे, इनमें जो है स्टीम आ चुकी है और मैं गैस की फ्लेम जो है बंद कर लूँगी। और अब इसको मैं हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहूँगी ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और जो है इसमें जो मैंने पानी डाला था वो भी पूरे तरीके से जो है सूख जाए। और अब इसको मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा हिलाते रहूँगी। अब जो है मेरा हलवा बनके रेडी हो चुका है और इसके लिए मैं ग्रीस कर रही हूँ गरी नारियल, सूखा नारियल। तो अब जो है मेरा हलवा बनके रेडी हो चुका है और इसने हल्का हल्का जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं डालूँगी इसमें जो नारियल गरी जो मैंने ग्रीस कर दी थी, और इसको भी अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो सूजी का हलवा जो है खिला खिला क्यों बनता है, क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा डलता है। तो ये एक ट्रिक है, पानी इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत खिला खिला बनेगा और रिफाइंड ऑयल भी इसमें ठीक ही होना चाहिए। तो अब करूँगी मैं इसकी प्लेटिंग। तो अब हो रही है मेरी प्लेटिंग। ये हो गई है मेरी प्लेटिंग और अब मैं इसके ऊपर से जो है नारियल का जो है ग्रीस किया हुआ मैंने उसको डालूंगी। तो आइए हलवा